जय हिंद साथियों, साथी द सक्सेस क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें जानना है 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम, ठीक है। उसका हम क्या जानेंगे, आज सिलेबस समझेंगे, ठीक है। ये हमें चैप्टर वाइज क्या दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या दिया हुआ है, ठोस अवस्था, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जो हमें पढ़ना है ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब ठोस अवस्था से संबंधित उसके अंदर क्या दिए हुए हैं टॉपिक, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है इसमें, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, यानी कि नॉर्मली जो हम ठोस अवस्था देखते हैं, ठोस अवस्था उसमें क्या अभिलक्षण है हमें वो पढ़ना है। सेकंड टॉपिक में क्या पढ़ना है, अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस, जो क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका वर्गीकरण कितने टाइप में किया गया है हमें वो पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या देखना है, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका, ठीक है। एकक यानी कि यहाँ इकाई से मतलब है और क्रिस्टल जालक, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है एक एकक कोष्टिका और अव्यवी कणों की संख्या, ठीक है। इसका ये पढ़ना है अव्यवी कणों की संख्या। फिर इसके बाद है निविड़ संकुलित संरचनाएं, कुछ हमें संरचनाएं पढ़नी है जो निविड़ संकुलित है। और फिर पढ़ना है संकुलन क्षमता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है एकक कोष्टिका विमा संबंधी गणना, विमा संबंधी हमें क्या करनी है इसमें गणनाएं करनी है। फिर इसमें नेक्स्ट है ठोसों में अपूर्णता है, ठीक है। तो ठोसों में क्या क्या अपूर्णताएं होती है हमें उनके बारे में पढ़ना है। और इसके बाद क्या दिया हुआ है विद्युतीय गुण, ठोसों में क्या विद्युतीय गुण होते हैं। और नेक्स्ट है चुंबकीय गुण, यानी कि ठोसों में क्या चुंबकीय गुण होते हैं। ये हमारी थी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर देखते हैं, सेकंड में क्या है, सेकंड चैप्टर का नाम है विलयन। अब विलयन से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना है, विलयनों के प्रकार, यानी कि विलयन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो कितने टाइप्स के होते हैं हमें ये पढ़ना है। और विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, यानी कि विलयनों की जो सांद्रता होती है उसको व्यक्त करने की क्या क्या नियम दिए हुए हैं वो पढ़ना है। फिर विलयता पढ़नी है। फिर पढ़ना है द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब, अब हमें यहाँ वाष्पदाब पढ़ना है, ठीक है। और वाष्पदाब के बाद आदर्श एवं अनादर्श विलयन, एक वैज्ञानिक थे राउत, ठीक है, उन्होंने एक नियम दिया था, यदि उनके नियम का जो पालन करे वो आदर्श विलयन और नहीं पालन करे तो वो अनादर्श विलयन, ठीक है। तो यहाँ वो पढ़ना है हमें। फिर इसके बाद है अणुसंख्या गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, यानी कि जो हमारा अणु होगा उसमें क्या होंगे, कुछ विलेय के कण होंगे, उनके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। और फिर क्या दिया है असामान्य मोलर द्रव्यमान, और यहाँ पे अणुओं के मोलर द्रव्यमान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा था सेकेंड चैप्टर। अब हमारा थर्ड चैप्टर, थर्ड में हमें क्या पढ़ना है वैद्युत रसायन, ठीक है। वैद्युत रसायन से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना है, वैद्युत रसायन एक सेल, ठीक है, जो आपके सेल आते हैं, सेल जो जानते हैं आप लोग घड़ी में डालते हैं, ठीक है, उन सेलों के बारे में पढ़ना है। सेल भी कई टाइप से होते हैं, ठीक है। सेकेंड है गैल्वेनिक सेल, हमें गैल्वेनिक सेल पढ़ना है। और यहाँ पे एक नरनष्ट समीकरण पढ़ना है, एक समीकरण है जिसका नाम है नरनष्ट समीकरण। फिर यहाँ पे पढ़ना है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल होगा उसका क्या पढ़ना है चालकत्व, यानी कि उसके बारे में वो कैसे अपनी प्रोसेस करता है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ना है क्या विद्युत अपघटनी सेल एवं विद्युत अपघटन, अब वो सेल डिस्चार्ज कैसे होते हैं और चार्ज कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें क्या पढ़ना है बैटरियां, अच्छा बैटरी तो सबने देखी होगी घर में अपने सभी की लगी रहती है बैटरी जैसे कि, ठीक है, तो वो पढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया, वो ईंधन सेल, हमें ईंधन सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो जनरली रॉकेट नौदल में देखा जाता है ना उसमें, उसके बारे में पढ़ना है। और फिर यहाँ पे संचारण, संचारण कहाँ होता है जैसे लोहे की चीजों में, तो हम संचारण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, ये हमारे थी थर्ड चैप्टर। अब हमारा क्या आ गया है फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में क्या दिया हुआ है रासायनिक बल गति की, रासायनिक बल गति में हमें क्या पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया वेग, ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हम जो सिक्स क्लास से पढ़ रहे हैं शायद, है ना, तो उसके बारे में पढ़ना है और उनका क्या पढ़ना है वेग। फिर सेकेंड टॉपिक क्या दिया है इसमें अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अब जो अभिक्रिया होती है जैसे, अब उसको कौन कौन से तत्व या पदार्थ प्रभावित करते हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे क्या दिया है समाकलित वेग समीकरण, अब हमें एक यहाँ पे डेरिवेशन भी करना पड़ेगा तो वो उसके बारे में पढ़ना है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, यानी कि जो अभिक्रिया होगी वो ताप पर किस तरह से निर्भर करता है हमें उसके बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है रासायनिक अभिक्रिया का
संघट्ट सिद्धांत, संघट्ट यानी कि टकराव, ठीक है, तो वो सिद्धांत हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर का नेम क्या है, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ से आपको सीधा समझ में आ रहा होगा क्या होती है, सतह, ठीक है। तो अब सतह में क्या क्या होता है, अधिशोषण होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अधिशोषण, यानी कि सतह पे अवशोषण जो होता है, अधिशोषण। फिर उत्प्रेरण, उत्प्रेरण मतलब जो अभिक्रिया को क्या कर देता है, उत्प्रेरित, तो उत्प्रेरण के बारे में पढ़ना है। और फिर एक कोलाइडी विलयन होता है, उसके बारे में पढ़ना है। और उसका वर्गीकरण कितने तरीकों से किया गया है हमें वो पढ़ना है यहाँ पे। और यहाँ पे इमल्सन, जनरली सभी घरों में यूज होता है इमल्सन, ठीक है, तो उसके बारे में हमें यहाँ जानना है। और फिर क्या है लास्ट टॉपिक, हमारे चारों ओर कोलाइड। अच्छा, कोलाइड हमारे चारों ओर किस तरह से हमें क्या पढ़ना है वो पढ़ना। फिर इसके बाद ये हमारा फिफ्थ चैप्टर खत्म हो गया। अब यहाँ पे आता है सिक्स्थ चैप्टर। सिक्स्थ चैप्टर में क्या दिया हुआ है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण। अब क्या पढ़ना है हमें, जो तत्व है उनका निष्कर्षण पढ़ना है और उनका क्या पढ़ना है, सिद्धांत, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है, धातुओं की उपलब्धता, ठीक है, धातुओं की उपलब्धता और अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों के बारे में पढ़ना है और धातुओं की उपलब्धता के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है, यानी कि अयस्कों से हम क्या करेंगे, अशोधित धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ हमारे टॉपिक क्या दिया हुआ है, धातु कर्मिकी के ऊष्मा गतिकी सिद्धांत। अब यहाँ पढ़ना है हमें ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत, ठीक है। फिर यहाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, धातु कर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत, यहाँ पे एक वैद्युत रसायन सिद्धांत भी हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, ऑक्सीकरण और अपचयन। अच्छा, तत्वों में क्या ऑक्सीकरण और अपचयन होते हैं, तो हमें वो भी पढ़ना है, ऑक्सीकरण संख्या निकाल के, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, शोधन, हमें तत्वों का शोधन भी करना है। और इसके बाद दिया हुआ है एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट हमें क्या दिया था, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ना है, लोहे, जिंक, कॉपर, यानी कि धातुओं के सीधे से क्या पढ़ना है हमें, उपयोग। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, ठीक है।